नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप पॉलीगॉन्स को ब्रिज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है ये, और इस बॉक्स को मैंने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे कॉपी किया, एंड नॉर्मल कॉपी। इसको मैंने राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉली है ये, राइट क्लिक करके मैंने अटैच कर दिया इससे। अब दोनों एक ही बॉक्स है, एक ही पॉली के पार्ट है। मैं क्या करता हूँ, मैं पॉलीगन को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इसके सामने वाला चूज कर सकते हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट किया, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्रिज का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपस में ऐसे ब्रिज हो जाएगा, ऐसे इसके बीच में एक ब्रिज बन जाएगा। और इस ब्रिज की कुछ प्रॉपर्टी है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कि इस ब्रिज के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। सेकंड है कि ये टेपर चाहिए, अगर आपको कुछ इस तरीके से ब्रिज चाहिए, कुछ इस तरीके से डिजाइन चाहिए, या अंदर की तरफ आपको टेपर चाहिए, तो कुछ इस तरीके से आप इस चीज को डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब बायस, अगर आप टेपर यहाँ पे करते हो तो कहाँ पे बायस चाहिए, कि बायस इधर चाहिए सारे तो आप इस तरीके से इसको बायस कर सकते हो, इधर चाहिए तो इस तरीके से आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, बायस का यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हो। क्लियर। अगर आपको यहाँ पे चाहिए स्मूथनेस तो आप स्मूथनेस डाल सकते हैं, अगर आपके पास सेगमेंट्स है तो आप इसमें स्मूथनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, वरना स्मूथनेस को हटा सकते हैं। और फिर है ट्विस्ट करना, कि अगर आप यहाँ पे ट्विस्ट करना चाहते हैं, अगर मान लो आप इसे ट्विस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये ट्विस्ट हो जाएगा। ट्विस्ट वन एंड ट्विस्ट टू का यूज कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर वही है कि आप पॉलीगन को सिलेक्ट कर सकते हैं, कि आप पॉलीगन को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे यूज स्पेसिफिक पॉलीगन। अगर आप स्पेसिफिक पॉलीगन पे क्लिक करेंगे तो आप दो पॉलीगन्स को अपने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि ये है नंबर वन पॉलीगन इज दिस एंड नंबर सेकेंड पॉलीगन इज दिस, तो किसी भी आप पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे करके आप उनके नंबर्स को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बट कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आप पॉलीगन सिलेक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से यूज कर सकते हैं कि एक पॉलीगन मेरे को ये चाहिए, एक ये चाहिए, तो उसी के बीच में उस चीज को वो ब्रिज बना देगा। इसको आप कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, कि मान लो आपने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, और आपने यहाँ से एक्सट्रूड किया, प्लस 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 कुछ आपने ऐसे एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपस में इनको ब्रिज करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ब्रिज हो जाएंगे, कुछ ऐसे। कुछ आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए कहीं पे, आपको इस टाइप में आपको प्रोफाइल बनाना है तो आप कुछ ऐसे ब्रिज कर सकते हो, ऐसा आपको कहीं पे भी स्ट्रक्चर चाहिए तो कुछ इस तरीके से आप अपनी चीजों को यूज कर सकते हो। फिर इसमें भी आप ब्रिज का यूज कर सकते हो, कि मान लो आपने ये सिलेक्ट किया यहाँ से, कि आपको ये वाला पोर्शन ये आपने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ठीक है, और ऐसे ही आपने सामने वाले सिलेक्ट किए, इनको आपस में आप ब्रिज करना चाहते हो तो आप यहाँ से ब्रिज यूज कर सकते हो, ये सभी आपस में यहाँ पे ब्रिज हो जाएंगे। इसमें आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन देना है कहीं पे, तो कुछ इस तरीके से आप ब्रिज करके इस तरीके से डिजाइन्स यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो आपका बहुत ही अच्छा डिजाइन यहाँ पे लगने वाला है किसी भी एंट्री पे। तो ऐसे कुछ भी डिजाइन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रिज कमांड। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज लाइक करना मत भूलें। अगर कोई न्यू है चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें, और मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.